सो हैलो गाइज, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू गेमिंग इज वीडियो। सो गाइज, जैसा कि मैं आपको लास्ट वीडियो में बता ही चुका हूँ कि जो रॉड की फैक्ट्री है उसका जो थर्ड फ्लोर है वो बहुत बड़ा सीक्रेट है, यानी थर्ड फ्लोर में हमें काफ़ी कुछ देखने को मिल सकता है। एक न्यू ऑफिस एरिया देखने को मिल सकता है एंड इसी के अलावा एक एरिया ऐसा भी देखने को मिल सकता है जहाँ पर मिनी रॉड्स और ये मैटी टाइप बॉरिस टाइप रोबोट्स को मैन्युफैक्चर किया जाता हो, यानी बनाया जाता हो। आपको पता होगा कि हमने चकी मूवी देखी है। आप में से कितने लोगों ने चकी मूवी देखी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो चकी मूवी में हमने देखा है कि जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री में कितने सारे चकी रोबोट्स को बनाया जाता है। तो ऐसा ही कुछ सीन हमको आइस स्ट्रीम में आने वाले चैप्टर में देखने को मिल सकता है, जिसमें बहुत सारे मिनी रॉड्स को रॉड बना रहा हो। क्योंकि आपको पता ही होगा कि जो मिनी रॉड्स हैं, ये काफ़ी सारे मिनी रॉड्स हैं, मतलब कोई एक दो दस बीस नहीं है, बहुत सारे हैं। एंड इतने सारे मिनी रॉड्स आखिर कहाँ से बन के आ रहे हैं? वो आ रहे हैं रॉड की फैक्ट्री के थर्ड फ्लोर से, यानी थर्ड फ्लोर में वो मैन्युफैक्चरिंग एरिया है जहाँ पे ये सारे मिनी रॉड्स बन रहे हैं। एंड ये सीन मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होगा चकी डॉल से। जैसे चकी डॉल को फैक्ट्री में बनाया गया था, उसी तरीके से ये मिनी रॉड्स बनते होंगे। एंड जो रॉड की फैक्ट्री का ये ऊपर वाला यानी थर्ड फ्लोर होने वाला है ना, ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड होगा। यानी थर्ड फ्लोर का गेम प्ले अब तक के सारे चैप्टर से काफ़ी ज़्यादा आगे होगा, काफ़ी ज़्यादा ही हार्ड होगा। आपने देखा होगा कि आइस स्क्रीम का जो चैप्टर 6 है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड लगा है हमें लास्ट चैप्टर से। बट गाइस, अगर आपको ये हार्ड लग रहा है तो आइस स्क्रीम 7 तो मतलब क्या ही कहने, बहुत हार्ड होने वाला है आइस स्क्रीम 7। बाकी आप लोगों का क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस।